ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज हम एक ऐसी रीडिंग बनाते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ये देखेंगे कि आखिर आपने इतना स्ट्रगल क्यों किया, क्यों इतना सफ़र किया, आपने अपने पार्टनर के साथ इतना ट्राई किया चीज़ों को संभालने का। सो कहाँ पर आप दोनों की तरफ से फ्रेंड्स गड़बड़ हो गई, कहाँ आप दोनों की तरफ से चीज़ें संभल नहीं पाई, और वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एफर्ट करना था बट जाने अनजाने आप भी नहीं वो चीज़ों को संभाल पाए। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक रीडिंग होगी। आई डोंट नो कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, बट ये मैंने बहुत पहले की थी और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, क्योंकि लोग जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि क्यों मैंने इतना सफ़र किया। तो ठीक है, इसे एक जनरल रीडिंग की तरह ले, सारे लोग ये ज़बरदस्ती मत सोचने लग जाना कि मेरे साथ यही ये नहीं हुआ, मेरे साथ तो कुछ और सिचुएशन है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समझदारी से इसे लेना है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो शेयर करना एक्सपीरियंस अपने और कमेंट्स करना मुझे। बाकी इसे अपने सन मून साइन जिसके अकॉर्डिंग आपने देखना है देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर एज यूजुअल नीचे मेंशन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब जल्दी से इस रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्कॉर्पियो यानी के वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि, क्या चीज़ें थीं जिसकी वजह से इतनी सफरिंग आई लाइफ में, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? आइए देखते हैं फ्रेंड्स वो रीजंस, वो बातें जिसकी वजह से लाइफ में आपको सफ़र करना पड़ा। एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, आपने सफ़र किया अपनी अच्छाई की वजह से। आप शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा करते 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 ही जा रहे थे। आपने उस पर्सन को या तो कोई कमिटमेंट दे दी थी या कोई अश्योरेंस। सिमिलरली हो सकता है उस पर्सन ने भी आपको कोई ऐसी कमिटमेंट दी हो कि मैं तुम्हारे से मैरिज करूंगी या करूंगा और एक फाइनल, लेकिन लास्ट मोमेंट उसने आपको धोखा दिया। आप पूरी तरह श्योर थे इस रिश्ते को लेकर कि यहाँ पर मैरिज होगी और यही मेरा फाइनल पर्सन है, लेकिन आपकी सफरिंग का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपका दिल हद से ज़्यादा साफ है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, ये रीज़न है। आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपको लगा ये इंसान मुझे लाइफ की हर वो खुशी देगा जिसके लिए मैं जिसके मैं काबिल हूँ, बट उल्टा इसने आपके साथ हर चीज़ गलत की। इसने आपको शायद वो कमिटमेंट निभाने की बजाय आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा। आपको लगा कि शायद ये मेरे पेरेंट्स के लिए या मेरे पेरेंट्स के सामने बहुत मेरी रिस्पेक्ट करेगा और मुझे वो जगह देगा अपनी लाइफ में जो कि शायद इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद हर एक को उम्मीद होती है, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इन्होंने आपके सामने या तो किसी और पर्सन के साथ शादी कर ली या किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में ले आए और आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा। फाइनली आपको ऐसा लगने लगा कि अच्छा होना ही सबसे बड़ी गलती है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा होना गलती नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपने गलत इंसान को अपनी अच्छाई दिखाई और सही टाइम पर आपने अपनी इस गलती को बंद नहीं किया। आप उसी चीज़ पे चलते रहे, उसे लीव करने की बजाय आप उसी को ही इम्पोर्टेंस देते रहे। देखती हूँ आपकी करंट सिचुएशन में क्या है, क्या सिचुएशन में दिख रहा है, क्या आपने कुछ लेसन लिया इससे। आपकी करंट सिचुएशन में दिख रहा है आप आज भी डिस्प्यूटेड एनर्जी में हो, आज भी लोगों के ऊपर विश्वास करने से घबराते हो। हाँ, आपको लेसन मिला, आपने समझा, लेकिन देखिए स्कॉर्पियो, ये मत करिए कि लोगों पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। सब लोग एक जैसे भी नहीं होते। आपको काम करना है अपनी ग्रोथ पे। जितना प्यार आपने इस पर्सन से किया उतना ही प्यार आप खुद से करना शुरू कर दीजिए। आपका इंसाफ ऊपर वाला करेगा। आप हर मोमेंट पे ऊपर वाले से यही कहते हैं कि मेरे से इंसाफ करो, मेरे साथ जिसने गलत किया वो भुगते। वो ज़रूर सफ़र करेगा। किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, किसी को देर से, बट आप कहीं ना कहीं अभी भी यही सब सोचते रहते हैं कि मेरे साथ इतना गलत हुआ।
आपके साथ जो हुआ आप उसे भूलकर अब एक न्यू बिगनिंग करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें और उस पर्सन को अपने पीस के लिए फॉरगिव करें। ठीक है, ये दिख रही है मुझे आपकी सिचुएशन सफरिंग की। आइए देखते हैं कि क्या आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, ओवरऑल लव की गाइडेंस है, कि चाहे आप इस रिलेशनशिप में हो चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको डिवाइन कहते हैं कि वी मे बी फिजिकली अपार्ट बट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका बिलवर्ड ही आपसे कह रहा है, मुझे ये मैसेज आपकी ऊपर डिवाइन की तरफ से लग रहा है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं भले ही आपको दिखता नहीं हूँ पर मैं हर समय आपके साथ हूँ, आपकी लाइफ में कुछ भी मिसिंग नहीं है, वक्त और हालात हर चीज़ आपकी लाइफ में लेके आएंगे, सो आपको डाउन नहीं फील करना। ठीक है, दूसरा, हर चीज़ का रास्ता ज़रूरी नहीं है कि दिमाग से हो, कुछ चीज़ों के रास्ते दिल से भी निकलते हैं, सो अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसे अपने दिल से करें, जो पीछे हो गया जस्ट ट्राई टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि आगे लाइफ में आपको एक नए जर्नी पे निकलना है, बार बार वो पुरानी चीज़ों को सोच के खुद को पेन ना दें। ठीक है, तो ये छोटी सी कोशिश थी एक रीडिंग की, जो हमने एक सवाल लिया था कि क्यों स्कॉर्पियो को इतना प्रॉब्लम हुआ, और आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हों स्कॉर्पियो। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। इस रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।